सहारनपुर एसएसपी द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत आज थाना तीतरो पुलिस द्वारा ग्राम झाड़वन में चेकिंग के दौरान बाइक पर सवार दो युवकों को 1 किलो 500 ग्राम अवैध अफीम के साथ गिरफ्तार किया। वहीं पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि दोनों मिलकर बिहार गाय के पास कस्बा बारा छठी से अफीम को खरीद कर किसी को शक न हो इसलिए बच्चों को साथ में रखते थे और अफीम को हरियाणा पंजाब यूपी में बेचते थे। वहीं पुलिस द्वारा अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। तो जो है झाड़वन क्षेत्र में एसओ तीतरो अरोपावर के जो है नेतृत्व में इनकी टीम द्वारा चेकिंग की गई। चेकिंग की जा रही थी तो उस दौरान जो है दो आदमी मिले। इनका नाम था शहजाद सनाफ अयाज और फारूक सनाफ रज्जाक। इनकी उम्र लगभग दोनों की क्रमशः 30 और 40 साल है। इनके पास से अफीम 1.5 किलो अफीम बरामद हुई है। अवैध रूप से ले जा रहे थे ये, इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में लगभग 15 लाख उनकी कीमत है। डेढ़ किलो भी आगे और इनसे पूछताछ में उन्होंने बताया कि ये बिहार से इसको लाया करते थे चोरी छुपे और किसी को शक ना हो तो इसलिए अपने बीवी बच्चों को फैमिली को बैठा लेते ताकि कोई शक ना करे। तो चेकिंग दौरान ये पकड़े गए और इनको इनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज होकर कार्रवाई की जा रही है, वैधानिक कार्रवाई जो है वो की जा रही है। क्राइम स्टोरी के लिए सहारनपुर के तीतरों से सलमान खान की रिपोर्ट।